वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है और वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा कीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और आज की जो वीडियो है कोरोना वायरस, जिस तरह से कि सबको पता ही है कि कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में यानी कि 137 देशों में फैल चुका है इस वक्त। 137 कंट्रीज जो हैं वो ग्रस्त हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। तो अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट जो प्रॉपर, जिसको हम कहें कि वैलिड ट्रीटमेंट, अभी तक नहीं आया है मार्केट में। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं। इजराइल कंट्री और अमेरिका ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने मेडिसिन तैयार कर ली है, इंजेक्शन तैयार कर लिया है, लेकिन इस इंजेक्शन को मार्केट में आने के लिए अभी 3 से 4 महीने तक या फिर इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है। 137 कंट्रीज में करीबन 6,000 लोग जो है वो इससे ग्रस्त हो चुके हैं। बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है, काफी लोग रिकवर भी हुए हैं। अभी तो इंडिया भी इससे बचा नहीं रहा है। अब तक 105 लोग जो है कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं, जिनमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और 12 लोग रिकवर हो चुके हैं। बाकी सारे लोग जो है वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। उनका क्या रिजल्ट होगा वो टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। लेकिन कहते हैं ना कि इलाज से परहेज अच्छा, जिस बीमारी का कोई इलाज ना हो उस बीमारी के परहेज जरूर होते हैं। हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, जिनको करके आप कोरोना वायरस से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। वायरस का बढ़ता हुआ कहर देख के इंडिया में NCDC ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की है, जिनको फॉलो करके हम लोग कोरोना वायरस से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। तो क्या है वो गाइडलाइंस, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और पूरी वीडियो को सुनिएगा और इनको फॉलो भी जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से कह रही हूं, सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। CDC ने लोगों को सलाह दी है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सफाई रखें। अपनी सफाई, घर की सफाई, आसपास की सफाई, अपने घर में रखे हुए पालतू जानवरों तक की सफाई जितनी ज्यादा हो सके। किसी भी चीज को छूने के बाद 20 सेकंड तक लगातार हाथों को धोते रहें। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। जितना हो सके जिसको भी खांसी हो रही है या जिसको भी कोल्ड या कफ हुआ हुआ है, उससे 2 मीटर की दूरी बनाकर ही बात करें। अपने हाथों को ज़्यादा नाक, कान, आँखों पे और मुंह पे ना लगाएं। जितना ज़्यादा हो सके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइज़र को घर पे बनाएं। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। मोबाइल एक्सेट्रा को ज़्यादा ना छुएं। अगर बार बार मोबाइल को छूते हैं तो मोबाइल की भी साफ़ सफाई रखें, मोबाइल की स्क्रीन साफ़ रखें, क्योंकि बहुत से कीटाणु जो होते हैं वो मोबाइल पर भी, आपकी स्क्रीन पर भी उपलब्ध रहते हैं। आपको जब भी छींक आए मुंह ढक के छींकें। किसी टिश्यू पेपर से या कोई रुमाल अपने पास रखें, उससे मुँह ढकें और फिर छींकें। अगर आपके पास उस वक्त टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है तो अपनी कुहनी से अपने मुँह को ढाँक लें और कभी भी खुले में छींक ना मारें, ताकि और लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अगर आपको कंटिन्यूसली बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, पिछले 14 दिनों के भीतर आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसको खांसी है, बुखार है या ज़्यादा जुकाम है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपने टेस्ट करवाएं। बहुत ही ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रखें, आप भी घर पर ही रहें। स्कूलों में तो जैसे आजकल छुट्टियां पड़ गई हुई हैं, तो बच्चों को ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में ना लेके जाएं। खूब सारा पानी पिएं, जितना लिक्विड हो सकता है पिएं, ऑरेंज जूस पिएं, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लें, नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और जितना हो सके लोगों से मिलन वर्तन कम रखें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी है आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होना। इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखें। बुजुर्गों और बच्चों को ये जल्दी अपनी पकड़ में लेता है, तो इसलिए बच्चों को और बुजुर्गों को पब्लिक प्लेसेस में ना लेके जाएं और जितना हो सके उनकी केयर करें, घर पे रखें। उम्मीद है ये टिप्स आपको काफ़ी कारगर साबित होंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप कोरोना वायरस या किसी भी खतरनाक वायरस से बच के रह सकते हैं। यह फिर एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।